बारगाह रिसालत में पेश कर रहा हूँ और पूरी नात इंशाल्लाह पेश करूँगा। मुलाहिज़ा करें कि हम हिजर की काली रातों में, हम हिजर की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते, हम हिजर की काली रातों में, हम हिजर की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते गए, कुछ ऐसे भी हैं जो शामों सहर नजारा नजारे तैबा करते हैं, हम हिजर की काली रातों में। शेर मुलाज़ा करें के मालूम नहीं किन दरों को कदमों से नवाजा तुमने, हम इसलिए खाक तैबा के हर जर्रे पर सजदा करते, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह, इसलिए खाक तैबा के हर जर्रे पर सजदा करते, कुछ ऐसे जो शामों सहर। ये शेर इश्क रसूल की कैफियत में मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था, एक आशिक का जो मिजाज होता है, एक आशिक की जो कैफियत होती है, उस कैफियत को मद्देनजर रखते हुए आशिक को एक सलाह मशवरा दिया है। मुलाहिज़ा फरमाएं दीवाना इश्क खत्म रुसूल, शायद ये तुझे मालूम नहीं, शायद ये तुझे मालूम नहीं, इस तरह तड़पने से सरकार भी तड़पा कर तड़पने से तेरे। या मदा बेड़ा पड़ा। ये शेर भी मुलाकात करें कि क्या जाने गया ते दो रोज़ा, फिर इतनी भी मोहलत दे के दे, फिर इतनी भी मोहलत दे के दे, हम आज यहीं से तुझको ऐ गुंबद खज़रा करते, हम आज यहीं से तुझको सलाम, ऐ गुंबद खज़रा करते गए, हम हिजर की काली रातों में। ये शेर मुलाहिज़ा करें, हम हिजर की काली रातों में। क्या क्या बात कही है उस्ताद मोहतरम ने, मुलाहिज़ा करें कि जब गुंबद खज़रा देता था क्यों मर न गए, क्यों मिट न गए, क्यों
अक्सरिया जी पूछा करते हम लौट आने वालों से, अक्सरिया जी पूछा करते हम हिजर की काली रातों में। और माता पिता का नाम लादा फरमाए, हम हिजर की काली रातों में। ये नात कैसी नात है जिस नात को उस्ताद मोहतरम ने शाया होने के लिए मना कर दिया था, निशान लगा दिया था कि शाया नहीं। लेकिन एक मर्तबा हम उन्हीं के घर की छत से ये नात पढ़ रहे थे, आंगन को सुन रहे थे। जब हम नीचे उतरे तो उन्होंने बयाज लगाई और बयाज उठा के उस पर सही कर दिया, नहीं ये नात सच्चे, ये नात इसलिए मैंने यहाँ पेश की। मक्ता मुलादा फरमाए कि वो बदम जमी और वो अजीबे कसता की उषा के नबी जिनकी नाते सुनते हैं तो रोया करते हैं, उषा के नबी जिनकी नाते सुनते हैं तो रोया करते हैं हम हिजर की काली रातों में। जिंदाबाद अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिह।